से गुजरने वाले कांवड़ियों के लिए जामिया तेबिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के सौजन्य से नगर देवबंद के रुड़की मार्ग के निकट एक 5 दिवसीय चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया था, जिसका समापन जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी द्वारा किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी ने बताया, आज जामिया तेबिया द्वारा कांवड़ शिविर लगाया गया था, उसके समापन समारोह में हम लोग आए हैं। जामिया तेबिया परिवार ने यहां कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन करके उसे बहुत ही सफलता के साथ चलाया और कांवड़ यात्रियों को बहुत ही लाभ दिया। उन्होंने बताया, इसके लिए हम उन्हें साधुवाद देते हैं। रिपोर्ट अंकित जैन। आज ये एक बहुत ही अप्रतिम कार्यक्रम के समापन समारोह में आज हम लोग आए हैं। जामिया तेबिया परिवार ने यहाँ कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन करके उसे बहुत ही सफलता के साथ चलाया और कांवड़ यात्रियों को बहुत लाभ दिया, उसके लिए हम इन्हें साधुवाद भी देते हैं और इस शिविर के समापन के अवसर पर हम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी इस देश के अंदर, तब से बहुत सारे कीर्तिमान इन सरकारों ने तय किए। उसी के साथ साथ जो सबसे अधिक वृद्धि हुई है वो राष्ट्रभक्ति की और राष्ट्रवाद, प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला है। उसी क्रम में 15 अगस्त को, बल्कि 12 तारीख से हर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा लगाने का अभियान रहेगा और उसमें कार्यकर्ता अपने स्वयं के प्रयास से तिरंगा लगाएंगे, इस तरह का अभियान रहेगा। आपके द्वारा जो शिविर लगाया उसके बारे में बताइए, क्या कितनी इसमें वालों ने भाग लिया है और क्या आपने इसमें सेवा की है? ये देखिए, जामिया तेबिया मेडिकल कॉलेज जो है हमारा जीटी रोड पर स्थित है, ये सब आप सब भी इससे वाकिफ़ हैं, अवगत हैं कि कोई भी ऐसा जो सामाजिक कार्य होता है या ज़रूरत होती है कभी भी, या आप लगा के देखिए, जब वाटर कंटामिनेशन देवबंद में हुआ, हैज़ा फैला तो जामिया तेबिया देवबंद का अस्पताल सबसे आगे आया। जब हैंडीकैप्स के लिए ट्राईसाइकिल्स वगैरह को बांटना था तो जामिया तेबिया देवबंद आगे आया और ट्राईसाइकिल और शू उनको जो बहरापन है उनके लिए हेयरिंग एड का एक वक्त ऐसा आया था उनको बांटा गया। और कोविड के दौरान जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं, जो शांदे हैं यूनानी के, वो हमने बांटे जगह जगह जाकर, और जामिया तेबिया देवबंद हॉस्पिटल को क्वारंटाइन होम भी बनाया गया। अब ये हमारा जो ये शिव भक्त अभी जो 22 तारीख से 21 तारीख से गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार गए और वापस अपने गंतव्य को पहुँचे जल चढ़ाकर, कुछ मानकी मंदिर में और कुछ अपने अपने इलाकों में लेकर गए, तो उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, जिसमें फिजियोथेरेपी के साथ साथ मेडिसिन और ख़ास तौर पर जो उनको कांवड़ियों को जो मेन प्रॉब्लम्स होती है इसकी जॉइंट्स पेन की, या सर्वाइकल हो जाता है, या उनके लिए कुछ एलर्जी हो जाती है जंगासों में और दूसरी चीज़ें, और डिहाइड्रेशन की शिकायत, उस सबको हमने वो करते हुए ORS, उनको वाटर बॉटल और क्रीम जो होती हैं पाउडर उसके लिए, और थेरेपी खासतौर पर उसका बड़ा कांवड़ियों ने, शिव भक्तों ने उसको पसंद किया। आज ये 27 तारीख में जो इसका ड्यू टाइम है जल चढ़ने का, देखिए आप कि 27 तारीख में सभी कैंप आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये जामिया तेबिया देवबंद में जो ड्यू टाइम उसके जो रिक्वायरमेंट थी, लास्ट टाइम में बिल्कुल हमारा समापन हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समस्त कार्यकारिणी नगर की भाजपा की और हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी जी की, विपिन गर्ग जी की, कि उन्होंने समय देकर और इसका समापन किया, और आप सभी जो पत्रकार बंधु हैं इनका और जितने लोगों ने, प्रशासन के लोग जो इसको जो कांवड़ सेवा थी इसको संपन्न कराया शांतिपूर्ण ढंग से, मैं सभी के धन्यवाद देना चाहूँगा।